डाकघर से वो इसको कर पाएंगे। यह सुविधा अब बिहार परिमंडल के सारे डाकघर में 33 जो प्रधान डाकघर है और 1040 है जो उप डाकघर या जो दूसरा जो दर्जा देते हैं हम मुख्य डाकघर, तो सब मिला करके 1073 हो गए हैं CBS माइग्रेट ऑल ओवर बिहार में। और बाकी जो दूसरे स्टेट्स में भी चल रहे हैं जहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जैसे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेट है कर्नाटक जैसे, वो पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। इसके लिए कोई चार्जेबल भी है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये लोगों की जो मांग थी कि हमको छोटा मोटा भी निकास करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, अब आप अपने घर बैठे आप या तो फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए, या फिर IPPB का अगर उसमें अकाउंट जुड़ा हुआ है तो IPPB प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, और आपके पास ATM कार्ड भी रहेगा। ATM कार्ड आप किसी भी बैंक के ATM से आप अपना पोस्ट ऑफिस वाला पैसा निकाल सकते हैं, और बाहर के कोई भी जो कार्ड होल्डर है हमारे पोस्ट ऑफिस का जो ATM है, जैसे आपके GPO में है, तो वहाँ से कोई भी निकाल सकता है। जो कार्यालय के जो अधिकारी बता रहे थे कि 75% जो डाकघर पहले ही CBS माइग्रेट हो चुके थे, और बाकी जो 25% जो बाकी नहीं हो पाए थे वो थोड़ा सा दिक्कत वाले एरिया थे, तो उसमें अभी हम लोगों ने जो दूसरे जो तरीका है जो डायरेक्टरेट हमारे निदेशालय ने जो अप्रूव किया, रेडियो फ्रिक्वेंसी टावर लगा करके, फिर 4G डाटा कार्ड लगा करके, इस तरह से हम लोगों ने बाकी जो 300 के आसपास पोस्ट ऑफिस हमारे CBS माइग्रेट नहीं हो पाए थे, तो हम लोगों ने जुलाई से लेकर के अब दिसंबर तक में उन सारे ऑफिसेस को अब CBS के प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिए हैं। और इसके चलते अब बिहार के किसी भी जगह से ऑल ओवर इंडिया के लिए कहीं भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ट्रांसफर कर सकता है पैसा, निकास कर सकता है, और साथ ही साथ नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग भी चालू कर सकता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक दूसरा एक संस्था जो 2018 से शुरू किया गया है, उस संस्था का भी कार्य इससे सुचारू हो जाएगा कि जैसे कि मान लो किसी का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, वो अगर IPPB को भेजना चाहता है और IPPB से दूसरे जगह किसी बैंक में ट्रांसफर कर सकता है, वो भी अभी सुगम हो गया है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं जन साधारण को ये समाचार पहुंचाने के लिए अनुरोध करूंगा कि वे डाकघर के सभी सेवाओं का वो हासिल करें, और जहां पर भी कोई दिक्कत होती है तो भी आप लोग मीडिया के जो बंधु हैं तो आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत है तो आप जो पत्रकार बंधु हैं अपने जो न्यूज़पेपर के जरिए या फिर आप टीवी वाले हैं तो फिर टीवी के जरिए अगर कोई समस्या है उजागर करते हैं तो फिर हम लोग उसको ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि समाधान हो समस्या का और लोगों के पास बेहतर सेवा पहुंचती रहे। आज हम लोगों ने 100% कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सारे जो 1073 डाकघर हैं उसमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन देने की स्थिति में आ गए हैं, और उस चीज़ को ही हम लोग आज स्मरणिका के तौर पर एक विशेष डाक आवरण आज हम लोग उन्मोचित किए हैं। सर, इसमें क्या निर्णय लिया गया आज? आप लोग अभी बिहार में कहीं भी किसी पोस्ट ऑफिस में जमा करना चाहें या निकास करना चाहें, आपका मान लो पटना में ही अकाउंट है तो आप जा करके आप मुजफ्फरपुर में हो या बिटिया में हो, कहीं भी आप निकासी कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं, तो ये सुविधा अब हो गई। पहले ये असुविधा होती थी क्योंकि सारे CBS में जुड़े हुए हैं। बैंकिंग से जुड़ने से और क्या सुविधा होगी ग्राहक को? इसमें आपको ATM कार्ड आप पोस्ट ऑफिस से लेकर के जा सकते हैं, किसी बैंक से या दूसरे जगह से भी आप उसका निकास कर सकते हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।